लखनऊ में पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमांदा समाज का जिक्र किया था। भोपाल में भी पसमांदा समाज की बदहाली पर चिंता जताई थी। एक साल बाद भी पीएम ने हमारे समाज की बदहाली के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई। बीजेपी सरकार ने पसमांदा समाज के लिए कोई योजना भी नहीं बनाई है। प्रधानमंत्री को चुनाव के समय पसमांदा मुस्लिम समाज की याद आई है। पिछली सरकारों को कोसने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हमारे मुस्लिम समाज के लिए अगर बीजेपी कुछ करती तो हम लोग बीजेपी का साथ देते। बीजेपी सिर्फ भाषण में ही पसमांदा मुस्लिम समाज का जिक्र करती है। पसमांदा मुस्लिम समाज जे कारीगर तक का है। यूसीसी पर कौन सा मॉडल पेश करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, सुनिए और क्या कुछ कहा अनीस मंसूरी ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये कहना है कि आप पिछले 2022 3 जुलाई को आपने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हैदराबाद में पसमांदा मुस्लिम समाज का पहली बार आपने जिक्र किया और उनके बदहाली पर चिंता जताने का काम किया। उसके बाद आपने दिल्ली के अपने कार्यकारिणी की बैठक में आपने अभी पिछले सप्ताह भोपाल में पसमांदा मुस्लिम समाज के बदहाली पे गहरी चिंता जताई और उसके बाद आपने तकरीबन कुछ नाम भी पसमांदा तबके के लोगों के जातियों के नाम भी लिए। तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी ने पसमांदा मुस्लिम समाज के समस्याओं को उनकी जातियों के बारे में गहन अध्ययन किया। लेकिन आज 3 जुलाई है इसलिए मैंने ये प्रोग्राम रखा कि पूरा एक साल हो गया माननीय प्रधानमंत्री जी को पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में चिंता जताने का, लेकिन अभी तक एक साल का वक्फा गुजर गया और अभी तक देश के प्रधानमंत्री जी ने एक साल में पसमांदा मुस्लिम समाज के लोगों के बदहाली पर चिंता जताई लेकिन अभी किसी तरह से कोई कार्य योजना नहीं बनाने का काम किया। ना उनको रिजर्वेशन, ना उनके बारे में किसी तरह से कोई प्रोग्रामिंग किया, ना कोई प्लान बनाया और ना कोई प्लान बना के मॉडल पेश किया कि हाँ हम आपके लिए करने जा रहे हैं। बल्कि उन्होंने अपने अभी पिछले सप्ताह के अपने भाषण में उन्होंने कहा समाज के बारे में इतना ज्ञान है और आप समझ रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको चाहिए कि आप पसमांदा मुस्लिम समाज के लिए फौरन एक कार्य योजना बना उनको लाभ पहुँचाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इससे आपकी मंशा ये जाहिर होती है कि अगर आपको करना है आप प्रधानमंत्री हैं आप कर लीजिए। पिछली सरकारों को बार बार कोसना इससे तो पसमांदा मुस्लिम समाज की आपकी बदहाली दूर होने वाली नहीं है। उन्होंने नहीं किया उसका खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं, आज सरकार में नहीं है। लेकिन आज आप सरकार में हो और आप पावर में हो, पूर्ण बहुमत की सरकार है आपकी, तो उन्होंने नहीं किया तो आप आपको कर देना चाहिए। अब करने के बाद अगर आप कहते कहां साहब उन्होंने नहीं किया और ये मैंने कर दिया तो आज पसमांदा मुस्लिम समाज माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करता और इस देश का पसमांदा मुसलमान एक बार भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाता। लेकिन ऐसा ना होना, पसमांदा मुस्लिम समाज के लोगों के बारे में इस तरह चिंता जताना और उनके बारे में कुछ ना करना, कहीं ना कहीं मैं जब पहले शुरुआत में उन्होंने पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में कही तो मैंने प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया कि आपने कम से कम पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में चिंता जताई और पसमांदा मुस्लिम समाज के लोगों में एक नई आशा की किरण जगी, उन्हें उम्मीद हुई कि शायद प्रधानमंत्री जी जो अभी तक किसी ने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया, तो शायद प्रधानमंत्री जी अब पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में काफी गंभीर हो गए हैं और अब हमें हमारा पूरा हक मिलने जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे केवल भाषण में ही पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में चिंता जताने का काम किया लेकिन अभी जमीन पर कोई योजना बना करके उतारने का काम नहीं हुआ। इसलिए हम
कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, अभी आपके पास एक साल का वक्फा है, आप प्रधानमंत्री हैं और तमाम काम आप आनंद फानंद में कर लेते हैं, चाहे नोटबंदी का मसला हो, चाहे रिका बिल हो, सारी चीजें आप सब कुछ आनंद फानंद में कर लेते हैं, तो पसमांदा मुस्लिम समाज के अधिकार के बारे में खाका खींचना, उसको योजना बना के जमीन को उतारने में मुझे लगता है आपको समय नहीं लगेगा। उसी तर्ज पर आप भी पसमांदा मुस्लिम समाज के लिए एक योजना बना करके उनको लाभ पहुंचाने का काम करें, जिससे पसमांदा मुस्लिम समाज देश की मुख्यधारा से जुड़ सके और देश को मजबूत कर सके, क्योंकि पसमांदा मुस्लिम समाज एक कामगर तबका है, कारीगर तबका है, और ये कारीगरी के माध्यम से तमाम लोगों की सेवा करता है, खिदमत करता है। अगर आप पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में जरा सा और गंभीर होकर के और उनको कोई ना कोई योजना का लाभ देते हैं, आरक्षण का लाभ देते हैं, तो निश्चित तौर से पसमांदा मुस्लिम समाज देश के अंदर मुख्यधारा से देश से जुड़ सकेगा। दूसरी बात यह है कि यूसीसी पर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, हर भाषण में कह रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे पुराने मुद्दे हैं, निकाह बिल का मतलब खत्म हो गया, सब आपने लागू कर दिया, खत्म हो गया, उसको बार बार जताना और ये कहना कि मुसलमान महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई, आप मुसलमान के महिलाओं के बारे में इतना चिंतित हैं, सब समाज के महिलाओं के बारे में चिंतित होना चाहिए, एक समाज के बारे में नहीं। आप समानता की बात करते हैं, मैं यूसीसी का विरोधी नहीं हूं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप यूसीसी के जरिए कौन सा मॉडल पेश करने जा रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है, उस तैयारी में आपको तमाम विपक्ष की पार्टियों को, समाज के तमाम जो समाज में लोग काम कर रहे हैं, समाज सेवियों से और तमाम धर्माचार्य हैं, धर्म गुरु हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज के लोग हैं, सबसे बैठ करके एक मशविरा करके एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, उसके बाद कहनी चाहिए कि मॉडल पेश किया है, ये हम लागू करने जा रहे हैं। लेकिन आपने मन जो मन बना लिया वो कर लिया, ऐसे में ये देश के लिए ठीक नहीं है, देश हित में ठीक नहीं है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर सच में आप पसमांदा मुस्लिम समाज के हितैषी हैं, उनको चाहते हैं कि वो तरक्की करें, देश के अंदर उनको भी पूरे अधिकार मिले, तो अभी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में आप योजना बनाकर उनको लाभ पहुँचाने का काम करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री। मंसूरी जी, अभी आपने कहा कि राय ली जाए, तो लॉ कमीशन ने तो सबकी राय मांगी है और उसके लिए एक डेट भी उन्होंने एक महीने का समय भी दिया है, क्या आप लोगों ने उसपे कोई अपना रिप्रेजेंटेशन दिया क्या? नहीं नहीं, जो उन्होंने राय मांगी है लोग राय दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये राय जो उनकी मांगी गई है और उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है जो राय है एक फॉर्मेलिटी होगी, बाकी उन्हें अपनी मनमानी जो करना हमेशा किया वो कर देंगे। आप कह रहे हैं अभी जब तक हमारे सामने कोई चीज आई नहीं, इस यूसीसी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं जो समानता लाएंगी, तो अभी हमें इस चीज की जानकारी नहीं कि इसके अंदर की क्या प्लानिंग है, यूसीसी के अंदर क्या है, हम जान ही नहीं रहे, तो उस पर हम अपना विरोध पहले से भी जताते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि वो सामने आ जाए मॉडल, हम लोग उसको देख लें, समझ लें, अगर वो देश हित में ठीक है तो ठीक है, अगर उसमें कोई करेक्शन हो सकता है तो वो भी हम लोग देंगे, भाई करेक्शन कहाँ सामने सलाह सुझाव देंगे, लेकिन अभी कुछ आए नहीं, इससे पहले हम क्यों कहें कि हम इसका विरोध करें, विरोध करें, उसकी सूरत क्या होगी, मॉडल कैसा होगा, वो आ जाए देख कर ही फैसला लिया जा सकता है, और पहले से कहना कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। आपको नीति आयोग में इसके पहले भी एक नीति आयोग बना था 2018 में, और उसमें जो सारे लोगों से राय ली गई थी, उसने नीति आयोग एक रिपोर्ट भी चाहे पेश कर दी थी, उन्होंने कहा था कि अभी देश में जो है ये यूसीसी लागू करने का जो है वक्त नहीं है और लागू करना आसान सही संविधान की भावना के खिलाफ चीजें लाएंगी, एक मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, यूसीसी के अंदर देश के सभी जन आ रहे हैं, सभी धर्म के लोग आ रहे हैं, केवल मुसलमान का एक मामला बनाया जा रहा है कि चार साथियाँ करते हैं ये करते वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल 2024 के चुनाव को देखते हुए यूसीसी को अभी तुरंत लाया गया है, और अभी इस समय जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि देश के अंदर हालात इतने बिगड़े हुए हैं, पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। मणिपुर जैसी इतनी
बड़ी घटना देश के अंदर हो रही है वो ध्यान भटकाने के लिए कभी यूसीसी कभी पसमांदा मुस्लिम समाज का जिक्र करके वो अपने कार्यों को गिनाने से बचना चाहते हैं, वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। नहीं नहीं आपने कहा जातियों का डेटा, वो तो पिछड़ा आयोग में जो पिछले वर्ग के लोग हैं सब पसमांदा तबके के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग पिछड़ा आयोग में दर्ज हैं। जो पिछड़ा आयोग में जो लोग दर्ज हैं रिजर्वेशन का लाभ पाते हैं तो वो सारे पसमांदा हैं, तो आपको डेटा देने की कोई जरूरत नहीं, वो तो आप अपना पिछड़ा आयोग से उठाएंगे सारी लिस्ट मिल जाएगी कितने लोग पसमांदा में आते हैं। तीसरी पसमांदा मुसलमानों जो पिछड़ी जात के लोग हैं मुसलमान वो सारे के सारे पसमांदा हैं। और एक तरफ मुझे बड़ी हैरत हो रही है, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी पसमांदा मुस्लिम समाज के बदहाली पर दम्भ भर रहे हैं और अफसोस जता रहे हैं, पिछली सरकारों को कोस रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको एक साल हो गया ये वादा करते कि पसमांदा मुस्लिम समाज के लोगों को देश की मुख्यधारा जोड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को अपने हैदराबाद में निर्देश भी दिया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इसके एवज में उल्टा हुआ, उल्टा ये हुआ कि सबसे पहले उन्होंने धारा 341 जिसमें दलित मुसलमानों को हिंदू दलितों को बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था और माननीय न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल सरकार ने किया तो मुसलमानों के खिलाफ किया। उसके अलावा एक तो नुकसान सब जो पसमांदा तबके के लोग ही उसका लाभ उठाते थे और इन्होंने उस रिपोर्ट को हमारे खिलाफ दाखिल किया कोर्ट में, तो एक तो नुकसान ये किया। दूसरा, एक तरफ कहते हैं कि पसमांदा मुसलमान देश में वंचित समाज है और आपने पिछड़ा आपने अल्पसंख्यक आयोग मंत्री जी से पूछा नहीं कि आपने अबुल कलाम आजाद फेलोशिप जो मिलती थी उसमें पसमांदा मुस्लिम समाज के लोगों को लाभ मिलता था और उस फेलोशिप के जरिए पसमांदा मुसलमान आगे तरक्की कर रहा था, लोग कॉम्पिटिशन में आ रहे थे, अच्छे ऑफिसर बन रहे थे, ऐसी कामयाब योजना को आपने बंद कर दिया माननीय मोहतरमा स्मृति ईरानी जी ने, क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उसमें सारे पसमांदा के लोग भी लाभ उठा रहे थे, आम मुसलमान लाभ नहीं उठा रहा था। तीसरी बात यह है कि कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन का लाभ केवल वहां पर पसमांदा मुस्लिम समाज को मिल रहा था और आपने फौरन आपकी सरकार थी आपने 4% रिजर्वेशन छीन लिया मुसलमानों से और छीन करके ये जताया कि 2% हमने गोका लिंगा को दिया और 2% बंटवारा करके हमने लिंगायत समाज समूह दे दिया। आप तमाशा समझ रखा है, आपने हमारा अधिकार को छीन लिया, हमारे अधिकार को आपने दिया नहीं था, दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था और आपने उसको बंद कर दिया और आपने ऐलान भी किया माननीय अमित शाह जी ने कि जहां जहां हमारी सरकारें होंगी अभी आने वाले चुनाव में हैदराबाद तेलंगाना में भी हम जहां जहां हमारी सरकारें होंगी वहां जहां पर रिजर्वेशन मिल रहा है मुसलमानों को उस रिजर्वेशन को हम बंद करने का काम करेंगे। तो आप दोहरी बात मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ आप पसमांदा मुस्लिम समाज के बदहाली पे आंसू बहाते हैं और दूसरी तरफ उनको जो अधिकार आपने नहीं दिए थे उन दूसरी पार्टियों ने दिया था जिनको आप कोस रहे हैं उन सरकारों ने दिया था और आप उन सरकारों ने जो दिया था आप उस पे प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं। ये कैसी दोहरी नीति है आपकी, मैं ये पसमांदा मुस्लिम समाज देश का समझ नहीं पा रहा है। अगर उनको ये मुगलते में कि 2024 के चुनाव में हम पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में बात करके और लॉलीपॉप थमा करके हम कुछ परसेंटेज और हासिल कर लेंगे जो डैमेज कंट्रोल है उनका देश के अंदर वो कर लेंगे तो उनका ये ख्वाब होगा, ये ख्वाब कभी उनका साकार नहीं होगा, सपना साकार नहीं होगा। पसमांदा मुस्लिम समाज के लोगों में हमने वो अवेयरनेस वो चेतना जगा दी है कि जब तक पसमांदा मुस्लिम समाज सरकार से कुछ पाएगा नहीं, जब तक आज सरकार को देंगे नहीं, आपके तमाम ही जुमलेबाजी में पसमांदा मुस्लिम समाज पढ़ने वाला नहीं है। आपके पार्टी के अंदर जो चाटुकार मुसलमान जो किराए के मुसलमान सरकारी मुसलमान बैठे हुए हैं उनसे आप पसमांदा मुस्लिम समाज के बीच में जाने के लिए जब कहेंगे तो निश्चित तौर से पसमांदा मुस्लिम समाज उनका बहिष्कार करेगा और निश्चित तौर से अभी भी कर भी रहा है और उनकी कोई हैसियत समाज में नहीं जिनको आप पसमांदा का नेता बना करके और आप पसमांदा का शोषण करना चाहते हैं। अब आप शोषण दूसरे कहते हैं शोषण कि आप खुद शोषण कर रहे हैं, इसलिए सच में अगर सच्ची नीयत है तो अभी भी हम तैयार हैं
कि आप पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में उनके बारे में बेहतर योजना लागू करते, ईमानदारी के साथ में उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, फर्जी मुकदमे में नौजवानों को बंद करें, जो बंद करें उनको उनको उनके साथ शोषण न हो। तमाम हमारे तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को तंग किया जाता है, जिसमें पसमांदा समाज के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हज का दौर चल रहा है, हज का दौर खत्म हुआ है। आपके माध्यम से मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सरकार 4 महीना लेट में गाइडलाइन जारी किया, और आज वहां पर जाके देख लीजिए कि जिस तरीके से हाजी वहां रो रहे थे, सड़कों पे बैठे थे, एसी नहीं चल रहा था, बाथरूम गंदा था, टॉयलेट गंदी थी, चादर गंदी थी और कमरे गंदे थे। इस तरीके से भारत के हाजियों ने हज यात्रा अपनी वहां पर की है, वो आने के बाद पता चले कि वो क्या बयान करते हैं। वहां लोग रो रहे थे, वीडियो जारी कर रहे थे, लेकिन इस सरकार के काम पे जूता नहीं होगी। एक तरफ ज्यादातर पसमांदा तबके गरीब मुसलमान पूरी जिंदगी कमाई वो ले करके जोड़ करके पाई पाई जोड़ करके हज को जाते हैं, और पैसा खर्च करने के बाद उनके साथ इस तरह व्यवहार होता है। सारे देश के लोगों ने होटल बुक कर लिया, अच्छे अच्छे होटल बुक कर लिया, अपने हाजियों को अच्छी सुविधाएं दी, केवल भारत के हाजियों के साथ पैसा क्यों हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है सरकार बार बार इस तरह हरकतें कर रही है ताकि इसको भी पूंजीपतियों के हाथ में ये हज हाउस को हज कमेटी को भी भेजना चाहती है। देखिए सरकार तो नहीं आते, सब लोग हैं, सारी बातें बताते हैं कि सरकार की योजनाएं केवल फाइलों तक महदूद है, उसका लाभ हमें मिलता नहीं। योजना तो गवर्नमेंट जारी करते हैं लेकिन मिलता नहीं, तो ऐसे वो कहते हैं। तो मैं पत्राचार के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, पहुंचाता भी हूं, और मैं बराबर पत्राचार के माध्यम से जो आज पसमांदा मुस्लिम समाज की बात हो रही है, मैं 15 सालों से पसमांदा मुस्लिम समाज के संगठन चला करके पसमांदा तबके के लोगों को जागरूक किया, और वो लोग समस्या लेकर मेरे पास आते हैं, और मैं सरकार के पास इस बात को पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, आपको पहुँचाता भी हूँ। सरकार उस पर काम नहीं करती है तो काम तो सरकार करेगी, अगर काम नहीं करेगी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जवाब नहीं बनेगी। अनिश भाई एक बात बताइए कि आपकी आवाज अभी तक सदन में क्यों नहीं गूंज रही है, इतने मुस्लिम साथ में होने के बावजूद आपकी आवाज को कोई पक्ष देने वाला नहीं? मैं यही तो बात कहता हूँ कि पसमांदा मुस्लिम समाज की सभी क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। आपको पता है 400 सांसद अब तक हुए हैं, 460 लोग पहुंचे अब तक देश के अंदर, 400 मुस्लिम सांसद में पसमांदा तबके 60 ही थे, और वह कारखाने में कुत्ती की आवाज दबने जैसी बात थी। लेकिन हम लोग पसमांदा मुस्लिम समाज ये तो कह रहा कि हमें राजनीति में आपकी पार्टी में संगठन में सरकार में हमारे आबादी के हिसाब से, जो पसमांदा की आबादी है 85% मुसलमानों की आबादी का, आबादी के हिसाब से हमको भागीदारी चाहिए। तो आप जो भागीदारी दे नहीं रहे हैं, जब भागीदारी देंगे हमारे लोग लोकसभा और विधानसभा पहुंचेंगे, तब तो पसमांदा अधिकार की बात आवाज को बुलंद करने काम करेंगे। मेरा कोई आदमी वहाँ ही नहीं है, और जो मुसलमान वहाँ पर बैठा हुआ प्रकाश का है उसको इस पसमांदा मुसलमानों के बदहाली से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पसमांदा बनाने में हमारी बदहाली में उन प्रकाश के 15% मुसलमानों का हाथ रहा है, इसलिए वो हमको कभी नहीं चाहेंगे हम देश की मुख्यधारा से। लेकिन ऐसा कोई शख्सियत भी तो नहीं हुआ जो एक अकेला भी आवाज उठा सके? देखिए अकेले आवाज उठाने की बात आपने सही कही, इतने लोगों में अकेले आवाज उठाने से ऐसा नहीं कि लोगों ने उठाया, जो लोग पहुंचे उठाया, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। लेकिन इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी संख्या बल वहां जाता हो, ताकि हम लोग वहां खड़े होकर एक नहीं दर्जनों लोग खड़े होकर के बात करें, तो एक को जो बैठा दिया जाता है तो दर्जन लोग जब खड़े होकर उनको नहीं बैठा पाएंगे। कब तक उधार की कढ़ाई में आप मसाला पकाएंगे? अब देखिए इसकी शुरुआत हो गई है। आपका अगला क्या रणनीति होगी और पसमांदा मुस्लिम समाज क्या करने जा रही है, इतने आरोपों के क्या मांगे हैं, क्या करने जा रही है? देखिए हमारी मांगे तो जो रिजर्वेशन की थी धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत जो हम लोग लड़ाई निरंतर 15 सालों से लड़ रहे हैं, वो तो हमारी मांग प्रमुखता पे ही है। उसके साथ हमने जो मांग किया पसमांदा मुस्लिम समाज की भागीदारी की बात की है, भागीदारी भी हमें मिलनी चाहिए। अब रही बात ये कि पसमांदा समाज का रूप क्या होगा, भाई सरकार में
आज प्रधानमंत्री जी से हम लोग उसे आग्रह करते हैं कि हमारे लिए आप कार्यशाला बनाइए, और अगर वो हमारे लिए कुछ करते हैं निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी अगर पसमांदा मुस्लिम समाज के साथ ईमानदारी से व्यवहार करती है और उनके हक हकूक को देती है तो एक बार पसमांदा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के भी विचार कर सकता है। तमाम मुस्लिम उलमाओं ने देश की आवाज उठाई है यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ। आपने अभी बयान दिया है कि हम इसके विरोधी नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले इसके ऊपर तैयारी करनी चाहिए। आपको ऐसा क्या अच्छा लगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में कि आपने कहा है कि हम इसके विरोधी नहीं? मैंने कहा मैंने उसको देखा ही नहीं अभी, उसमें अध्ययन करेंगे। ऐसे कैसे हम कह रहे हैं प्रेस माध्यम से कि हाँ आपने ये भी कहा है कि हम इसके विरोधी नहीं? हम मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जो चीज हम देखे नहीं हम उसको कैसे कह दें कि हम ये चीज़ अच्छी नहीं है? जब देखते ही तो बता पाएंगे। हम उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे कि क्या। देखिए सरकार अपनी मंशा तो साफ करे कि हम यूसीसी में, अभी तो कोई उन्होंने क्लियर किया नहीं कि हम यूसीसी के साथ ये चीज़ें लाएंगे। अगर वो क्लियर कर देते तो मैं भी क्लियर कर देता, इसलिए उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया। तो हमने ये इसीलिए क्लियर किया कि अभी हम उसका विरोध नहीं कर सकते जब तक हम उसको देख नहीं लेते। सरकार पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, मैं राष्ट्रपति जी को मैं इसलिए चिट्ठी लिख रहा हूँ आपके माध्यम, पत्राचार के माध्यम से ही तो बताना चाहता हूँ कि आप जो आपका ड्राफ्ट तैयार है उसको तो सार्वजनिक करिए ना। ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं है इसीलिए लोगों के अंदर खुफरा लोग हैं, अभी आपका ड्राफ्ट क्लियर नहीं है, तो इसलिए शंका है कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के बीच में ना लाए, अचल लोगों के बीच में उसको सर्वे करा करके और लागू कर दे। जैसा कि अभी आप तक आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा कि आपने जब चाहा 12 बजे रात में आप खुली वो योजना लागू करना कर दिया, किसी से मशवरा नहीं लेना ना कोई सलाह मशवरा देना। तो सरकार की जब इस तरह से नियत पे थोड़ा सा हमें शक हो रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ड्राफ्ट तैयार करके एक बार पहले दिखाए। और दूसरी बात यह कि ये 8 महीना चुनाव रह गए हैं, ये सब काम उनको पहले करना चाहिए था। और यूसीसी की बात हो चाहे पसमांदा मुसलमानों की बात हो, आज देश के अंदर इतने हालात, सभी समाज के सभी धर्म के लोगों के साथ इतने बदतर हालात हैं, देश के अंदर महंगाई, तमाम सारी चीज़ें, मैं उसे जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पसमांदा मुस्लिम समाज के मसलों पर है, इसलिए उसे जाना नहीं चाहता। मैंने बता दिया ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आपने कोई ड्राफ्ट तैयार किया यूसीसीपी की, अगर कोई चीजें लागू हो तो उसकी विरोध नहीं होगी? देखिए हम लोग अभी ये कह पाना कि सरकार के जब उनकी चीज सामने आए तब तो हम उसमें अपना मशवरा देंगे। अभी तो वो जो दिखा रहे हैं वो ही दिखा रहे हैं, कभी 3 तलाक की बात कर रहे हैं, वो 3 तलाक का मुद्दा तो वो पुराना हो गया, आपने लागू करते उस बात को कहने नहीं चाहिए प्रधानमंत्री के बारे में। क्या देखिए कोई इसको भी हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश हो रही है, तो क्या आपने उसको कभी इसका अध्ययन किया है कि जैसे हम ये कैसे करेंगे? जैसे ब्राह्मण समाज में है, ब्राह्मण समाज में उत्तर भारत के अंदर गोत्र देख के शादी होती है। अब बात आपने कह दी तो कहना पड़ रहा है, ब्राह्मण समाज में गोत्र देख करके शादियां होती हैं, और वहीं साउथ में ब्राह्मण समाज में अपनी सगी भांजी के साथ शादी लोग करते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हैं समाज के अंदर, देश के अंदर। एक तरफ तो गोत्र देख के शादियां हो रही हैं और दूसरी तरफ वहां पर अपनी सगी भांजी से शादी कर रहे लोग, वहां पर प्रावधान है, मैंने पढ़ा है। तो सवाल इस चीज का है कि आप कैसे समानता लाएंगे? एक ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन नगर है, केवल ये अपने नाकामियों को छुपाने के लिए, मणिपुर की घटना को उसको नजरअंदाज करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह ये काम कर रहे हैं। इनकी मंशा साफ नहीं है, अगर साफ है तो ड्राफ्ट तैयार करके सबको बुला करके मशवरा कर ले, कम ज्यादा जो हो इनकी प्यार मोहब्बत से अगर लागू करना है तो सबके सलाह मशवरे से करें तो देश के लिए अच्छा होगा।